नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक के सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर, पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर ममता बनर्जी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जानबूझकर समझना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता में है। पीएम मोदी ने रविवार की सुबह रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय में बेसूर मठ में ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कोलकाता पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार का आभारी हूं, जिन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर बेलूर मठ में रात बिताने का मौका दिया। इसी के साथ पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि कुछ नेता जानबूझकर समझना नहीं चाहते। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभा करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा देशव्यापी अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर शाह की पहली मध्य प्रदेश यात्रा होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, न्यूजीलैंड दौरे के लिए आज होगी टीम इंडिया की घोषणा। हार्दिक और राणे को मिल सकता है अवसर। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि 24 जनवरी से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा रविवार को होगी। भारतीय टीम इस दौरे पर 5 20-20 अंतर्राष्ट्रीय, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरे के लिए टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम इस दौरे में सफेद गेंद से सीमित ओवरों के 8 मैच खेलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चयनकर्ता 15 से ज्यादा खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने देखी फिल्म छपाका। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने के बाद बीते शनिवार को सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों और विधायकों के साथ फिल्म छपाका देखने श्याम कोटिक पहुंचे। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर जो एसिड अटैक हुआ था उस आधार पर ये फिल्म बनी है और जिस महिला पर एसिड अटैक होता है उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसकी जानकारी फिल्म में दी गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मौसम से पंजाब हरियाणा में घने कोहरे से राहत है और शीतलहर में भी कमी दर्ज की गई है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रविवार को पारे में वृद्धि के साथ शीतलहर में कमी देखी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में सोमवार को क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है, जिसमें पारा फिर से लुढ़क सकता है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पिछले जीत का इतिहास दोहराने की चुनौती। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगले माह होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष अपना सबसे मजबूत किला बचाने की प्रबल चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतने वाले श्री केजरीवाल का जादू इस बार चलेगा या नहीं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। श्री केजरीवाल अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाते हुए इस बार भी पूरे आत्मविश्वास में है, जबकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पिछला करिश्मा दोहराना मुश्किल नजर आ रहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता पर रातों रात कानून नहीं लाए, देश में इसको लेकर काफी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में छात्रों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का कानून है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं लाया गया है, देश में इसको लेकर काफी चर्चा हुई है, लेकिन इसको लेकर युवाओं में भ्रम फैलाया गया है। इस कानून के जरिए हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पड़ोसी देशों में अपनी धार्मिक आस्था के चलते प्रताड़ित किए गए हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव से पहले लालू की पार्टी में मचा घमासान है, इस नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने पार्टी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने से राजग में घमासान के संकेत हैं। राजद में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 3 दिन पूर्व एक पत्र लिखकर पार्टी के कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।